मनुष्य के बच्चों की तरह ही पंछियों के बच्चे भी अपनी माता के गर्भ में ही विकसित होते हैं। वहाँ उन्हें सब कुछ मिलता है जो उनके विकास के लिए जरूरी होता है। माँ के गर्भ में ही उन्हें सभी पोषक तत्व मिलते हैं। अगर हम बात चिकन्स के बारे में करें तो ये अंडे के अंदर विकसित होते हैं, जबकि अंडा पूरी तरह से बंद होता है। ऐसे में अंडे के अंदर रहने वाला चूचा आखिर ऑक्सीजन कैसे लेता है? तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं इसके बारे में? अगर नहीं जानते हैं तो आज हम बात करेंगे इसी के बारे में। दोस्तों, अंडा प्रकृति की सबसे बेहतरीन चीजों में से एक है। अंडे के अंदर बहुत सारे जीव जंतु जन्म लेते हैं। प्रकृति उन सभी के संपूर्ण विकास का कार्य बखूबी निभाती है। अंडे के अंदर उन्हें अपने पोषण के लिए जो भी जरूरत होती है वो प्रकृति उन्हें देती है। अंडे में एक एयर सैक होता है जो चूचे के विकास के लिए ऑक्सीजन देता है। अंडे में चूचे के विकास के दौरान एयर सैक से ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। एयर सैक से भरी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और शुद्ध ऑक्सीजन अंडे में जाती है। यह पूरी प्रक्रिया अंडे में मौजूद हजारों कोशिकाओं की मदद से पूरी होती है। इन्हीं कोशिकाओं की मदद से चूजे को पानी भी मिलता है। माँ द्वारा तैयार की गई कोशिकाओं की मदद से चूजा अंडे के अंदर खुद को ही विकसित करता है। बहुत सी ऐसे प्रजातियां हैं जिनके बच्चों का जन्म अंडे के अंदर होता है। मुर्गी के अंडे का कलर उनके द्वारा खाए गए भोजन पर निर्धारित होता है। जानवरों के अंडे के ऊपर एक कठोर आवरण होता है जो अंडे की सुरक्षा करता है। हर जाति के चिड़ियों के अंडों में थोड़ी बहुत भिन्नता भले ही हो, पर उनकी अपनी एक विशेषता होती है। हर जातियों के पक्षियों के अंडों का आकार, माप और रंग अनूठा होता है। प्रत्येक जाति के पक्षियों के बच्चे विकास की विभिन्न अवस्थाओं में अंडे से बाहर निकलते हैं और यह उस जाति के पक्षी की अपने जीवन की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कुछ चिड़ियों के अंडों की सतह चिकनी होती है, कुछ की चमकीली होती है और कुछ की बहुत अधिक पॉलिशदार और कुछ की खुरदरी और खड़ियानुमा होती है। भ्रूण के पूर्ण विकसित हो जाने पर विहंग शिशु अंडे रूपी कैद खाने से बाहर निकल आने के लिए अपनी चोंच से बार बार प्रहार करते हैं। अंडे के बीचों बीच या अंडे के किसी एक चौड़े जगह पर दरार हो जाती है जहाँ से शिशु बाहर निकल आता है। उस समय वह शिशु एक तरल पदार्थ से भीगा हुआ सा रहता है जो हवा लगने से जल्दी ही सूख जाता है।